की वारदात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में अपराधियों की सरकार है और उसे सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। नीतीश कुमार सामने आकर के बेगूसराय पर बयान दे, आखिर वारदात के 17 घंटे बाद कहां पर फरार हैं ये अपराधी, क्यों अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कुछ कहना था गिरिराज सिंह का, सुनिए। बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबूल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अरे प्रार्थना है कि आप सामने आए और एसपी का बयान नहीं आपका बयान चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे मेन नेशनल हाईवे पर चार चार थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि जब अपराधियों की सरकार होगी अपराधियों से आप घिरे होंगे आपके मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिरबहोर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होते रहेगा। जंगल राज है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है, वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं। अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे। आपने 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में गुंडा राज जंगल राज जो शब्द का प्रयोग करें रोपे बबूल तो आम कहां से हो। आप सत्ता के लिए आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाए।